नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में कहते हैं कि भारत का पहला प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान का ना होता, और भारत का पहला प्रधानमंत्री सरदार पटेल नेहरू को नरेंद्र मोदी ये कहकर गाली देते हैं। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान का होता। नरेंद्र मोदी जी, क्या ये आपको पता है कि भारत तो आजाद हो गया था 1947 में। भारत का पहला इलेक्शन 25 अक्टूबर 1951 में शुरू हुआ था और 21 फरवरी 1952 में खत्म हुआ था, और सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हो गया था। नरेंद्र मोदी जी, आप अगर उस टाइम होते तो इलेक्शन से पहले मरे हुए सरदार वल्लभ भाई पटेल को कैसे इलेक्शन में खड़ा कर पाते? सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हो गया था। महात्मा गांधी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर 1950 को हो गया था। नरेंद्र मोदी जी, बताओ भारत का प्रधानमंत्री कौन होता? कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह की मृत्यु भारत आज़ाद होने से 16 वर्ष पहले ही हो चुका था। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत का सबसे चालाक और बड़े नेता थे, इसमें कोई डाउट नहीं है। अपने हक के लिए लड़ने वाले सबसे नंबर वन थे। भारत का हर एक व्यक्ति जानता है इस बात को। नरेंद्र मोदी जी आज के समय में सरदार पटेल नेहरू को गाली देते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।